वोट एक गवाही भी है। अल्लाह ने फरमाया है कि इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। जिस शख्स के हक में आप वोट डालते हैं तो दरहकीकत आप इस बात की गवाही देते हैं कि वो अमानत, दयानत और हुकूमत के उमूर चलाने की काबिलियत रखता है। और वोट न डालने वाले वो भी अल्लाह के इस फरमान को याद रखें कि उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसके जिम्मे अल्लाह की तरफ से गवाही हो और वो उसे छुपाए। फिर सुने मेरे भाई, वोट एक सिफारिश भी है। अल्लाह ने फरमाया है कि जो भलाई की सिफारिश करेगा वो उसमें से अपना हिस्सा पाएगा और जो बुराई की सिफारिश करेगा वो उसमें से अपना हिस्सा पाएगा। आपके वोट से जो जीतेगा, आपकी बरादरी का हो या ना हो, और मुल्क में अच्छे काम करेगा, उसमें आपका भी अजर होगा, और अगर वो बुरे काम करेगा तो उसके गुनाह में आप भी बराबर के शरीक होंगे। इसलिए वोट सही आदमी को देना, गलत आदमी को वोट देकर अपनी आखिरत बर्बाद न कर लेना। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत वो शख्स सबसे ज्यादा खसारे में होगा जो दूसरे की दुनिया के लिए अपनी आखिरत खो बैठेगा।